ओए फेंका क्यों आपने? इनके घर में इनको खाना डाल दो, इनके घर में डाल दो, बोलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी आँख बहुत लेट खुली। कल रात को मैं बहुत लेट सोया क्योंकि मेरी दाढ़ में इतना दर्द हो रहा था, नींद ही नहीं आ रही थी। आज मैं ब्लॉग के लिए लेट हो गया हूँ। हाँ भाई, कैसी रात गुजरी? ठीक तो गुजरी ना? आ जाओ भाई, आज लेट हो गया, आ जाओ बाहर आ जाओ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डक्स बाहर आ गई हैं, ये देखें। ओए कहाँ जा रही हो? अरे ये भाई ऊपर चढ़ गई, खेलो। हाँ भाई, तुम लोग से तो सब्र नहीं हो रहा होगा, है ना? हाँ, खोलता हूँ, वेट करो, रुक जाओ, आ जाओ, तुम लोग भी बाहर आ जाओ, आ जाओ। ये रेबिट्स को तो इतनी जल्दी होती है कि पहले हमें ही बाहर निकाल दो, पहले किसी और को खोलने जाता हूँ, पहले मैं डक्स को खोलता हूँ तो ये बस उछलते रहते कि पहले हमें खोल दो। भाई इन्हें तो इतनी जल्दी होती है, ये देखें। हाँ भाई, आ गए ना बाहर, बस ये कहते हैं कि हमें पहले खोल दो, बस हम आज़ाद हो जाए, हमें ही खाना पहले दे दो। डक्स का खाना डाल रहा होगा तो ये उछल रहे होंगे कि भाई हमें दे दो खाना। ये फिशिश का पानी भी बहुत गंदा हो चुका है, अभी इसे भी हमने चेंज करना है। फिशिश का पानी चेंज करना, तो हमारे पास एक मजदूर भी आ गया, वो भी कप वगैरह लेके। हरीश, ये क्या कर रहे हो? फ्रेंड्स, ये हमें सही मजदूर मिला है, ये खुद हमारा फिश टैंक साफ कर देता है। हरीश, टैंक साफ करोगे? ये हमारे बहुत काम का बंदा है, कम से कम फिश टैंक साफ करते वक्त ये पानी तो फेंकता रहता है, तो थोड़ा मेरी भी हेल्प हो जाती है। अच्छा है भाई, जब ये सफाई का काम होता है तो इत्तेफाक ये सामने आ जाता है। ये बताओ भाई, फिश टैंक तो साफ कर दोगे, मगर इसके बदली का क्या मांगोगे आप? क्या मांगोगे? अरे मछली छोड़ो, आप क्या खाओगे? बर्गर, चीज और कोल्ड ड्रिंक। ये टैंक साफ करोगे तो आप ये खाओगे? क्यों भाई, मैं तो आपको नहीं खिलाऊंगा बर्गर। और क्या खाओगे? और क्या खाओगे? हाँ खाऊंगा। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि आज मैं इससे टैंक की सफाई नहीं करवाऊँ, क्योंकि ये भाई पहले से ही डिमांड कर रहा है कि बर्गर और पिज़्ज़ा खाना है, मगर हम भी चाला कि इसको एक काम करते, 10 वाला पीस चिपका देते। ये तो इसमें भी खुश है भाई, चल जाता है। ये रैबिट्स की जगह पर ये छोटे छोटे से पौधे उग गए, ये देखिए। असल में ये इसलिए उग गए हैं ना, हम इसमें पानी रोज डालते रहते हैं। ये दाना है रैबिट्स का। ये क्या करेंगे, रैबिट इसे खाते हैं ना? रैबिट खाते हैं इसे? हाँ, मिट्टी खाते हैं। ये खाते हैं, ये मिट्टी खाते? अरे नहीं यार, मिट्टी नहीं खाते, ये तो ये खाते। ये खाते हैं। क्या खाते हैं, हाथ लगाओ। ये खाते हैं ना? हाँ, रैबिट्स को बोला आ जाओ खा लो ये। रैबिट्स और खाना आपका खा लो। पक गया खाना? ये कौन सा पकता है? पानी। किसका पानी गिर गया? रेबिट का पानी गिर गया। पानी ऐड कर दूं? कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। इसमें से नहीं, ये गंदा है पानी, इसमें से नहीं। तो गंदा है। ये गंदा है ना पानी? एक मिनट रुक जाओ, अब ये फिश टैंक साफ करते फिर हम लोग इसके पानी देते, ठीक है? काम करते हैं, पहले इन्हें भी हम फिश टैंक में नहला देते हैं, क्योंकि फिर अभी हमें पानी चेंज करना है, तो एक साथ ही चेंज कर लेंगे, जब तक ये भी थोड़ा नहा लेंगे। हाँ भाई, दो दिन से तो तुम लोग भी नहीं नहाए हो, आ जाओ मैं तुम्हें नहला देता हूँ, आ जाओ। करेंगी तो इससे पहले ये भी नहा लें इस पानी में। ओहो, झंपे मार रही है भाई। ओहो हवा, मज़े आ गए। जाओ जाओ। जिनको मैंने पानी से बाहर निकाल दिया, भाई ये तो मछली खाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना ये हमारी एक दो मछलियां तो गायब हो जाती अभी। अभी हमने ये फिशेस अंदर डाल दिए, ये देखें। अभी हमने ये फिश टैंक खाली कर दिया है, अभी इसमें हम पानी ऐड कर देते। देखें, रैबिट्स का पिंजरा भी सफाई कर लिया है, और देखें महाराज अभी अंदर जा रहे हैं। ये रे देखें, ये सफाई हो जाती है, डायरेक्ट अंदर जाके बैठ जाते हैं वो। देखें, ओहो ये देखो, ये रेस्ट कर रहा है। हाँ भाई, तुम जा रहे हो या नहीं? हाँ, ये भी चला गया।
अभी जाके अंदर दोनों आराम करेंगे, क्योंकि इनका कमरा मैंने साफ कर दिया है। हमने इसमें फिशेस ऐड कर दी है, हमने पानी इसमें फ्रेश कर दिया है। ये देखें भाई, ये खुश हो गई नए पानी में, ये भी खुश हो गई। तो अभी रेबिट्स के पानी की फिक्र हो गई कि रेबिट्स को कहाँ पानी क्यों नहीं दिया। हाँ रिश, किसको देना है पानी? रेबिट्स को पानी देना है। फ्रेंड्स ये देखें, हरीश रेबिट्स को पानी देने जा रहा है। वो आधा तो गिरा दिया इसने। ओ भाई क्या कर रहे हो? बोले रेबिट्स पानी पी लो, अंदर अंदर रख दो, अंदर रख दो। ये पानी दे दिया आपने रेबिट को, दे दिया पानी। ये किसका पानी है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कैसे रखोगे? आपका तो हाथ भी नहीं जाता। जाता है? ओ वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, हरीश ने पानी रख दिया। बोले डक्स आ जाओ पानी पी लो। हाँ नहीं है, रेबिट्स को खाना दो। ओए फेंका क्यों आपने? इनके घर में इनको खाना डाल दो, इनके घर में डाल दो। बोलो आ जाओ घर में आ जाओ। अरे वाह, खाना डाल दिया आपने। बोलो खा लो जल्दी, बोल दो जल्दी खा लो। बोलो रेबिट्स अंदर खाना डाल दिया, आप खा लो। अरे वाह, बस जल्दी जल्दी खाना खा लो। ये डक्स डक्स बन जाएगी। ये देखिए, ये हमारा चूज़ा काफ़ी बड़ा हो गया। ये देखें, हमने जब लिया था ये काफ़ी छोटा था, अभी देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। फ्रेंड्स डक्स अपने पिंजरे में बहुत ही ज़्यादा गंदगी करती थी, इसलिए हमने डक्स के पिंजरे में और तोतों के पिंजरे में हमने ये शीट लगा दी है। ये देखें, अब ये इसकी गंदगी इसके ऊपर ही आएगी और इसकी सफाई भी इजीली हो जाएगी। देखें रेबिट्स के पिंजरे में डक्स चली गई और ये देखें रेबिट्स का खाना खा रही है। ओ भाई पहले अपना तो खाओ, दूसरों का खाने आ गई। वो देखें, वो दोनों महाराज रेस्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, वो तुम्हारा खाना खा रही है, तुम कुछ नहीं कह रहे। देखें इन्हें रोटियों के साथ इनको घास वगैरह भी बहुत पसंद है। ये जब भी देखें ये रैबिट्स के पिंजरे में आने की कोशिश करती है, मौका नहीं मिलता। मगर आज ये जब इनका पिंजरा खुला हुआ था, ये भी बाहर थी इत्तेफाक, तो ये अंदर मौका देख के अंदर घुस गई। और दूसरी तो देखें ऐसा लग रहा है कि भाई खेतों के अंदर बैठी हुई है। चलो भाई आपका टाइम पूरा हो गया, चलो अब अपने पिंजरे में आ जाओ। चलो भाई चलो, हाँ बहुत खेल लिया, आ जाओ। फ्रेंड्स मैं इन्हें ट्रेन करता हूँ ताकि ये खुद ही अपने ये घर के अंदर चली जाएं और खुद ही बाहर आ जाएं। ये माशाल्लाह कुछ कुछ ट्रेन तो हो गई है, तो कभी कभी ये अपने घर में खुद ही चली जाती है, खुद ही बाहर आ जाती है। चलो भाई, इनकी आदत डालनी पड़ती है, अभी से हम इन्हें आदत डाल देंगे तो ये बड़ी होके भी खुद ही अपने घर में चली भी जाएंगी और वापस भी आ जाएंगी। अभी हम कोशिश करते हैं कि इनकी आदत बन जाए, कुछ कुछ बन गई है मगर टाइम लगेगा। मगर अभी हम फिशेस को देख लेते हैं और इन्हें दाना पानी डाल देते हैं। हाँ भाई चलें, अभी हम आपको भी अपना फूड दे देते हैं। तो भाई इन्हें भी लगता है काफ़ी भूख लगी थी, ये देखें ये भी आके खा रही हैं। खाओ खाओ। फ्रेंड्स हमें फिश का भी पानी दो तीन दिन में चेंज करना पड़ता है, तो आज भी हमने पानी चेंज किया। हम नया पानी इनका चेंज करते हैं, ये काफ़ी हैप्पी हो जाती है। फ्रेंड्स आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।